हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइन मास्टर एमडी में। तो आज बात करेंगे, ये देखिए मेरे हाथ पर जो कॉइन्स है, इसी कॉइन्स के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो ऐसे वाला कॉइन्स जो है, इसी कॉइन्स में एक कॉइन्स आया था, तो जानेंगे उस कॉइन्स का डिटेल्स आज। तो ये जो मेरे हाथ पर कॉइन्स है, ये तो नॉर्मल कॉइन्स है, ये देखिए। तो ऐसे वाला कॉइन्स का मेटल होता है निकल ब्रास, वेट है 7 ग्राम, साइज है 26 mm, सेब है सर्कुलर। ये देखिए, ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। तो आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ तो वो है ये वाला कॉइन्स। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, ये जो कॉइन्स है ये बनाना था निकल ब्रास में, उसको डाल दिया है स्टील में। और इस सिक्के का साइज भी छोटा है। तो दोस्तों ऐसा वाला जो स्टील वाला कॉइन्स है 5 रुपये का, इसका मेटल होता है स्टील और वेट है 4.5 ग्राम, साइज है 23 mm, सेब है सर्कुलर। तो ये वाला कॉइन जो है ये मिस्टेक से डाल दिया था स्टील में, साइज भी छोटा हो गया, तो इसलिए ये वाला कॉइन्स का प्राइस भी ज़्यादा है। तो ये जो OMS वाला कॉइन्स है, ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास है तो जानिए इस कॉइन्स का प्राइस क्या है। तो दोस्तों ऐसा वाला जो कॉइन्स है, इसी कॉइन्स का बहुत ही डिमांड है। जो कलेक्टर है वो अपने कलेक्शन में इस कॉइन्स को ऐड करना चाहता है, लेकिन ये वाला कॉइन्स इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास है तो ये आप लोगों को दिला सकता है 5000 से लेकर 3000 रुपीस तक। ठीक से समझे, ऐसे वाला जो स्टील वाला कॉइन्स है ये आपको देखना है छोटा साइज, सेम साइज में नहीं। तो ये देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए, ये एक है बड़ा साइज ब्रास वाला और एक है स्टील वाला छोटा साइज। तो आपको ये छोटा वाला जो साइज है 23 mm का स्टील वाला एक कॉइन्स होना चाहिए। तो ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों के पास है तो ये आपको दिला सकता है 5000 से लेकर 3000 रुपीस तक। फाइन कंडीशन में 5000 रुपीस और UNC कंडीशन में 3000 रुपीस, ये स्टील वाला 5 रुपये का कॉइन्स का कीमत है। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नोट एंड कॉइन्स के बारे में सच्ची और सही जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो ऐसे ही कॉइन्स एंड नोट के बारे में जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरे वीडियो में आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।